राधा क्या हुआ? मोहन जी, गुनगुन गुनगुन गड्ढे में। बेटा तुम्हें गुनगुन दिखाई दे रही है? नहीं काकी जी, गड्ढा बहुत गहरा है और अंदर अंधेरा है। गुनगुन! 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 क्या हो रहा है वहां पे? क्या गुनगुन है वहां पे? दिल कह रहा है गुनगुन यही है, लेकिन उनका फोन उनका जूता यही पर है और गौ माता भी अब तक शांत हो गई। हमें लगता है गुनगुन इस गड्ढे में गिर गई। गुनगुन, सुनो बेटा, दादी की आवाज सुनाई दे रही है। गुनगुन, कोई रस्सी कुछ कुछ लाओ। गुनगुन, क्या किया तुमने गुनगुन के साथ? पहले आप ये बताइए कि आप यहाँ क्या कर रही हैं? इतना बड़ा घर है और मीटिंग के लिए यहाँ खोपचे में आई हैं। आज आप बता ही दीजिए। मतलब ये कि मैंने पूरा घर चेक किया, ना माइक्रोफोन्स हैं ना कैमरास, तो बता ही दीजिए कि घर में कोई भूत भूत तो नहीं? भूत? शट अप हृदय, जो पूछ रही हूं उतना बताओ, क्या किया है तुमने गुनगुन के साथ? उसका पूरा इंतजाम कर दिया और इस बार पक्का वाला। खून तो ताजा लग रहा है। गुनगुन इसी गड्ढे में। आप गुनगुन की टेंशन मत लो, और जो आपको उसके लिए कुंवारी मां बन के घूमना पड़ता था उसकी भी छुट्टी कर दी है। आप बस अपने और मोहन के रिश्ते पर ध्यान दीजिए और ऐश कीजिए। आखिरी बार पूछ रही हूँ, सीधा सीधा बताओ कि क्या किया है तुमने गुनगुन के साथ? अरे आराम से दामिनी जी, आराम से लग जाएगी हमारे बेटे को। गुनगुन तो गई और राधा भी जाएगी मेरे साथ। खुशी मनाइए कि जिस काम के लिए आप मुझे यहां लाई थी वो पूरा हो गया, और बल्कि दुगना काम करके दे रहा हूं मुफ्त में। तुम बेवकूफ हो क्या? गुनगुन कोई आम लड़की नहीं है, मोहन त्रिवेदी की बेटी है। अगर मोहन को पता चल गया कि इन सब के पीछे तुम्हारा हाथ है तो ये दुनिया भागने के लिए छोटी पड़ जाएगी तुम्हारे लिए। और तुम जानते नहीं हो मोहन को, वो जमीन आसमान एक कर देगा लेकिन अपनी बेटी को ढूंढ कर निकाल ही लेगा। चलो ए, और अगर वो जमीन पर ही ना हो तो? मैंने गुनगुन को नीचे जमीन के बहुत नीचे भेज दिया है।
मार दिया। गुनगुन बेटा आवाज आ रही है मेरी। गुनगुन आप यहीं पर है। गुनगुन आपकी दादा यहीं पर है, आपको आवाज आ रही है। गुनगुन कुछ बोलो। गुनगुन आवाज आ रही है आपको बेटा। गुनगुन लगता है गुनगुन मिल गई या शायद उसकी लाश मिल गई। मम्मा इसने मार दिया गुनगुन को, इसने सच में मार दिया गुनगुन को। शांत हो जा। तू यहाँ रुक, मैं देख कर आती हूँ। हाँ मैं देख कर आती हूँ। तुमने सच में मार दिया क्या गुनगुन को? It's okay, अब थैंक यू बोलने की जरूरत नहीं है, अब हो गया। भाड़ में क्या थैंक्स? किसने कहा था तुम्हें ये सब करने को? अरे आप टेंशन मत लो, इस काम के लिए एक्स्ट्रा चार्ज नहीं करूंगा मैं, एक कॉम्प्लीमेंट्री गिफ्ट समझ के रख लो। तो नहीं सुधरेगा। चली गई गुनगुन, कहाँ चली गई? ओम नमः भगवते वासुदेवाय। दादी जी क्या हुआ? गुनगुन बोरवेल वाले गड्ढे में गिर गई है। भगवान कर सही सलामत निकल आए। नहीं जिंदगी तो दिन पर दिन नर्क होती जा रही है, और कितने दुख दर्द देगा हमें प्रभु? इतनी सी तो हमारी गुनगुन और इतना गहरा कंटा। प्रभु हमारी गुनगुन को आपसे क्यों छीन लिया? से भी ऐसा दोबारा मत बोलिएगा। कुछ भी नहीं हुआ हमारी गुनगुन को, कुछ भी नहीं। और मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूं। तो मेरी बेटी अंदर फंसी हुई है, अगर मेरी बेटी को कुछ हो गया ना तो मैं कुछ नहीं होगा गुनगुन को। गुनगुन को कुछ नहीं होगा। आज आपका प्यार गुनगुन की ताकत बनेगी मोहन जी।
प्यार की ताकत ना भगवान की ताकत की बराबर होती है। ये हमारा यकीन नहीं, विश्वास है। वेट कर प्लीज, तब तक क्या करूं मैं, खड़े देखकर अपनी बेटी को देखूं। क्या जाकर बचाओ उसे। हमारी गुनगुन के लिए रुक जाओ मोहन। अरे कहां है तेरी रेस्क्यू टीम यार, थोड़ा शांत शांत हो जा, आ रही है। मैं देखता, रुक जा, मैं देखता हूँ। मेरी बेटी।
मुझी क्या कर रहे हैं आप? अगर आप नीचे गए और गुनगुन आपके भार तले दब गई तो क्या होगा? जोश में होश मत खोइए आप। प्लीज चलो ठीक है भाई। मम्मा क्या हुआ? गुनगुन ठीक है। अभी अभी सब लोगों ने उसकी आवाज सुनी, मतलब गुनगुन जिंदा है। अगर बाहर आने के बाद उसने सबको हृदय का सच बता दिया तो जिंदा बाहर आ पाएगी तब ना। बोरवेल के बाहर जिंदा कोई नहीं आ सकता। रिसर्च है मेरी। सौ केसेस में से सिर्फ 3 लोग बचे हैं आज तक। इसका मतलब है गुनगुन का सिर्फ 3% चांस है बचने का। नहीं बचेगी। गुनगुन के पास राधा मोहन है, वो कुछ भी करके उसे बचा लेंगे। इतनी अच्छी किस्मत नहीं उस लड़की की। इतनी अच्छी किस्मत होती तो बिन मां की ना होती। अपना ओवर कॉन्फिडेंस अपने पास ही रखो, समझे? बिटिया, मेरी बात सुन। शांत हो जा। अभी वहां पे सब लोग हैं, तो वहां चल, समझी? इससे हम बाद में निपट लेंगे। इसको संभाल लो, नहीं तो इसका गेम खत्म कर दूंगा मैं। अरे इसको छोड़, तू ये सोच अगर वो गुनगुन जिंदा बाहर आ गई तो हमारा क्या होगा? गुनगुन बिल्कुल डरना नहीं बेटा, हम सब यही हैं। हाँ, आवाज लगाना हमें। गुनगुन रेस्क्यू टीम आ गई है, बस अभी कुछ ही देर में तुम्हें बाहर निकालेंगे। गुनगुन बस 5 मिनट और। कहाँ है रेस्क्यू मोहन? यारे एक प्रॉब्लम हो गया है। यार गली पतली है, वो रेस्क्यू ट्रक और जेसीबी अंदर नहीं आ सकती। नहीं आ सकती है? मतलब ऐसे कैसे नहीं आ सकती? अरे मजाक बना के रखेगा, रेस्क्यू टीम नहीं आ सकती मतलब? शेखर कुछ भी करके रेस्क्यू टीम को अंदर बुलाओ, मेरी गुनगुन को बाहर निकालो। ये सड़क छाप छोर हमारे लिए खतरनाक होता जा रहा है। तो डर है कि कहीं हमसे ही चिड़ गया तो हमें ही गड्ढे में ना डालते। नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं संभाल लूंगी। पक्का ना? हाँ पक्का। ठीक है चलिए। मुझे अंदर जाने दो ना, मैं निकाल लूंगा। एक मिनट, आप लोग खड़े रहिए। ऐसी बात तो नहीं है। सब आप लोग खड़े रहिए, मुझे देख लीजिए। आप लोग इधर आइए।
हेलो मिस्टर त्रिवेदी, जूनियर ऑफिसर आशीष शुक्ला। मैंने पहले भी कई सारे बोरवेल केसेस हैंडल किए हैं। मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं कि आपकी बेटी सही सलामत बाहर निकलवा लूं। ठीक है सर, लेकिन अपनी बेटी को लाने मैं जा सकता हूं? सॉरी सर, आप ऐसा नहीं कर सकते, अंदर कोई नहीं जा सकता। पर क्यों सर? क्योंकि अंदर मिट्टी गीली है, अगर आप अंदर गए तो आपके वजन से मिट्टी धस जाएगी और बच्ची नीचे दब जाएगी, उसकी जान को खतरा हो जाएगा। आप अपनी बच्ची की जान बचाने की जगह उसकी मौत का कारण बन जाएंगे।